मुल्क में इन दिनों मुजस्मों की सियासत गर्म है। ऐसे में अपने मुखालिफ नजरियात के मुजस्मों के इनदामी कार्रवाइयों के खिलाफ बायां बाजू ने एहतजाज किया। आरएसएस और बीजेपी कारकुनों की जानिब से इन दिनों मुखालिफ नजरियात वाले मुजस्मों के इनदाम की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुजस्मों की बेहरमती और मिसमारी के खिलाफ बायां महाज ने सख्त मौकफ अपनाया है। नांदेड़ में भी बायां महाज की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर एक एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में कॉमरेड विजय घाबने, राजू सोनसड़े, डॉक्टर देवदत्त तुंगार और कॉमरेड मंजू श्री कबाड़े के बशमूल दर्जनों कारकुनान ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा त्रिपुरा की जीत सहन नहीं कर पाई, इसके चलते उन्होंने वहाँ पे कॉमरेड लेनिन की मूर्ति तोड़ी। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि रामस्वामी पेरियार की मूर्ति तोड़ो। बाद में इसका नतीजा यह हुआ कि इनके सरफिरे लोगों ने उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की भी मूर्ति तोड़ी और इस तरीके से पूरा देश में आज अराजकता का माहौल है। और इसलिए हम यहाँ पे पूरे लेफ्ट और डेमोक्रेटिक पूरे पार्टियाँ हैं यहाँ पे, तो इसके तरफ से हम यहाँ पे निषेध कर रहे हैं सरकार का। और जल्दी हम सरकार यहाँ पे सरकार को नतीजा ये दे रहे हैं कि अगर ये घटना में अगर आप सुधार नहीं लाओगे तो पूरी जनता इसका निषेध करेगी और आपकी खुर्ची बचा पाना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से जो सरकार का जो काम है ये घटना को बदलने का, तोड़ने का और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की ओर जाने का, ये सरकार ने अपना जो प्रोग्राम है वो अपने पेटी में गुंडाल कर रखना चाहिए और घटना के मुताबिक इस देश में राज करना चाहिए। जो जनता ने उनको जनादेश दिया है वो काम करना चाहिए, ऐसा हम इससे यहाँ करना चाहते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे सरकार का निषेध बोल के यहाँ पे बीजेपी आरएसएस का निषेध बोल के और ये पूरे जो मूर्ति तोड़े ये पूरे देशद्रोह पे कलम यहाँ पे लगना चाहिए और देशद्रोह के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये हम इस पे से यहाँ पे मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं।